आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद आप लोग के दिल और दिमाग में इस गरीब के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं सिवान बिहार के उस घर की बात कर रहा हूँ जिस घर में कोई भी बेजुबान भूखा जानवर आ जाए तो वो लोग अपने खुद का खाता हुआ खाना भी उसको दे देते हैं। खाना खिलाने के बाद ही उस भूखे प्यासे बेजुबान जानवर को जाने देते हैं। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह एक भूखे प्यासे बेजुबान बंदर खाना खा रहा है। दरअसल ये बंदर नहीं, गांव के लोग इसको हनुमान बोलते हैं। देखिए यह कितना भूखा है और इसके गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद वो बच्चा एक या दो दिन का होगा। बच्चा भी बहुत भूखा है और वो गोद में बैठकर इस माँ की दूध पी रहा है। और कितना सुकून से यह तसली में बना हुआ चावल खा रहा है। हमें तो लग रहा है दोस्तों अभी घर के लोग खाना भी नहीं खाए होंगे। सुबह का समय है और खाना बनाकर रखा गया है और यह बंदर, भूखा प्यासा बंदर खाना आकर खा रहा है और घर के लोग देखते हुए भी इस बंदर को भगा नहीं रहे हैं। देखिए यही होती है इंसानियत। ध्यान से देखिए इस घर को, इस घर के लोग इतना गरीब हैं कि आज भी इस घर में मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है और इसी पे खाना बनता है। पूरा घर मिट्टी का है दोस्तों, लेकिन इस घर में रहने वाले लोगों को देखिए, इस घर के लोग का दिल सोना है सोना। और यही बंदर अगर किसी दूसरे घर पे जाकर बैठ जाए, सिर्फ बैठ जाए तो लोग लाठी मारने लगते हैं। आखिर यह बेजुबान जानवर, भूखे प्यासे जानवर आखिर जाएंगे कहां दोस्तों? यह जानवर हम इंसानों की तरह तो नहीं सोच सकते हैं और ना ही यह घर बनाकर उसमें खाना बना सकते हैं। लेकिन यह बेजुबान जानवर होते बहुत वफादार है। लोग कुत्ते को भी मारकर भगा देते हैं अपने घर के दरवाजे से। आखिर यह जानवर जाएंगे कहां? इन बेजुबान जानवरों को थोड़ा से अगर आप खाना खिला देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इस गरीब घर के लोगों को, इनके अंदर कितनी इंसानियत है। किसी महापुरुष ने सही ही कहा है कि घर माहौल होने से क्या फायदा जब घर के लोग खुद कुकुर बिलार हो। इसीलिए रावण सोने के महल में रहने पर भी वो राक्षस कहलाए और श्री राम जी एक झोपड़ी में रहकर भी वो भगवान कहलाए। दोस्तों माना कि यह जानवर बेजुबान है, लेकिन दिल तो इनके पास भी है और यह जानवर हम लोगों की तरह भी जीना चाहते हैं। इस कलाकार और इसके कारनामे को देखिए, यह वही सिवान बिहार का अजमेर आलम है जिसको यह वीडियो मिलते ही इस हनुमान की अद्भुत छवि उकेर कर रख दिया। सलाम है ऐसे कलाकार को। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग इस बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाए और पानी पिलाए। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।